आई नो सर, बट मैंने दो बार खुद ने क्रॉस चेक किया था. आई डोंट नो ये मिस्टेक कैसे हो गई. अजय, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक. तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? इज अ प्लैटिनम क्लाइंट. एक मेल ठीक से नहीं हो सकता तुमसे. आई एम सो सॉरी सर, बट मैंने सच में चेक किया था. आई डोंट नो ये कैसे हो गया. सारी डिटेल्स तुम्हारे पास थी एंड यू आर आस्किंग मी. आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड. सो सॉरी सर, मैं एक मेल ना आपको फिर से कंपोज करके सेंड कर देती हूँ. ट्रस्ट मी सर, मैं दोबारा कंप्लेन का मौका नहीं दूंगी. आई एम सो सॉरी. मैं आपके साथ 5 साल से काम कर रही हूँ सर. यू नो अबाउट मी. ऑलराइट, जब मेल हो जाए तो मुझे मैसेज करना. श्योर सर. ओके, थैंक यू. ये क्या किया तुमने? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं है? मैं यहाँ बैठ के काम कर रही हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, और तुम ये सड़ा सा चड्डा पहन के यहाँ से जा रहे हो. सड़ा सा मतलब? नहीं, और क्या हो गया अगर पहन के आ गया तो? चड्डा उतार के तो नहीं आया ना? बस वही बचा था, वो भी कर लो. तुमसे बात करना ना मतलब दीवार पे सर मारना है. सुबह सुबह ओवर रिएक्ट मत करो. मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुम्हें पता नहीं होता मैं यहाँ पे रोज काम करती हूँ बैठ के? तो फिर क्या जरूरत थी मॉडल बनने की? और ये टीवी की वॉल्यूम कम नहीं रख सकते तुम? हाँ, नहीं कर सकता. मेरा घर है, मेरी मर्जी है, मेरा टीवी है, जो इच्छा होगी वो करूंगा. गाली किसको दी तुमने? तुम्हें नहीं दी. तो और कौन है हमारे अलावा? है कोई नहीं, लेकिन वो ऐसे निकल गई, फ्लो फ्लो में निकल जाती है. और ये मेरे घर का मतलब क्या है? सिर्फ तुम्हारा घर है? तो सिर्फ तुम्हारा घर भी नहीं है. क्यों? तो मैंने इस इंसान से शादी करी, बिना शादी के ही अच्छी थी. पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैंने जो तुमसे 5 साल पहले शादी के लिए हाँ कर दिया था. ओह, तुम्हें हुआ था? सही बताओ, याद नहीं तो याद दिला दूं. सारे मैसेज रखे हैं आज ही फेसबुक पे मेरे पास. लव यू सोना, लव यू बाबू वाले, वो वाले देखो इधर सारे हैं. मुझे सब याद है, याद मत दिलाओ. गलती हो गई थी वो मुझसे, माफ कर दो मुझे. मैं मुझसे क्या मांग रही हूँ माफी यार, भगवान से मांगो, थोड़ी अक्कल आएगी तुम्हें. सारी अक्कल तो जैसे भगवान ने तुम्हें ही दे दी. आइंस्टाइन के घर जो पैदा हुए हो तुम. देखो तभी तो बाल उड़ गए. इधर के आइंस्टाइन के चक्कर में उड़ गए, तुम्हारे के चक्कर में उड़ गए. ये लॉकडाउन खत्म होगा ना, उसके बाद मैं अपनी मम्मी के जा रही हूँ, ठीक है? लॉकडाउन के बाद जा रही? और ये अंदर बार एक जगह खड़ी होकर बात नहीं कर सकती हो? नहीं करूंगी मैं बात, नहीं कर सकती. और लॉकडाउन का इंतजार क्यों कर रही हो? लगाओ ना तुम्हारे चाचा को फोन, विधायक है वो, दिला देंगे वीआईपी पास. मैं सब कर लूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. अरे मैं तो टेंशन में हूँ 5 साल से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वाह भाई, दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह. क्यों तो मैंने इस इंसान से बहस करी. भैया अरे बबलू. हाँ भाई बबलू बोल. कपड़े हैं क्या? कपड़े हैं. देखिए पैंट लगवाना. अरे धोने वाले? हाँ. वो नहीं है बेटा. क्यों? क्योंकि आज से सारे कपड़े मैं धोऊंगा, घर के भी और सोसाइटी के भी. तेरी नौकरी खा जाऊंगा.
कोई गलती हो गई क्या? नहीं गलती नहीं हुई। तो आज कपड़े नहीं, बेटा मजाक कर रहा हूँ, चल जा। ठीक है। अच्छा सुन, हाँ आर यू मैरिड? है वह शादी होगी क्या तेरी? शादी नहीं नहीं करियो मत, चल निकल। कम से कम खाना तो ठीक से बना लो। अच्छा 5 साल से यही खाना खा रहे हो तुम? इसलिए बोल रहा हूँ, अब तो सीख लो। प्लीज यार, खाना है तो खाओ ना मत खाओ। तुम खा लो और खा के और फैल जाओ। दिमाग मत खराब करो, खाना खाओ चुपचाप। इसमें दिमाग खराब करने वाली कौन सी बात है? कभी देखा आपने आपको मिरर में? मैंने देखा, तुम अपने आप को देखो जाके। मैं तो डेली देख रहा हूँ, 10 लड़कियाँ फॉलो कर रही हैं इंस्टा पे डेली। एक काम क्यों नहीं करते, तुम भी फॉलो कर लो जाके और उनके घर ही पहुंच जाओ ना फॉलो करते करते। सब पहुंच जाऊंगा, लॉकडाउन तो खुलने दो। सीरियसली दीप, यू आर इम्पॉसिबल। एवरीथिंग पॉसिबल बेबी। मुझे ना सच में कभी कभी लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके ना बहुत बड़ी गलती करी। अच्छा तो सुधार लो गलती फिर। सुधार आई एम सॉरी यार कल के लिए। तुम्हारी गलती नहीं थी, एक्चुअली मेरा ही मूड खराब था सो। पता नहीं यार, मैंने भी बिना मतलब बात को, बट शुरुआत तो मैंने ही की थी ना। मैंने बहुत बात बढ़ा दी थी यार। I'm sorry.
वैसे एक बात बोलूं तुम्हें, वो जो सड़ा सा चड्डा था ना, वो तुम ही लेकर आई थी। तो ऐसे दो तीन सड़े चड्डे और लेकर आओ मेरे लिए। ठीक है, चलेंगे अपन आज ही चलेंगे।